हाय व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अरेबिक कंट्रीज़ की एक फेमस डिश जिसका नाम है नमकीन रान। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमकीन रान बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 किलो की एक रान ली है और इस रान के दोनों तरफ हमने इस तरह के गहरे कट्स लगा लिए हैं ताकि हम इस पर जो मसाले अप्लाई करेंगे वो अंदर तक अच्छे से पहुँच जाए। और अब हम इस पर अप्लाई करेंगे 4 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इस तरह हमें हाथों की मदद से मलते हुए अदरक और लहसुन के पेस्ट को इस पर अच्छे से लगा लेना है। एक तरफ अदरक और लहसुन का पेस्ट लगाने के बाद हम इसे पलट कर दूसरी तरफ भी इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। इस तरह हाथों की मदद से मलते हुए हमें रान की दोनों तरफ और कट्स में पेस्ट को अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और हम इस पर अप्लाई करेंगे 2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 3 टीस्पून नमक। पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च पाउडर और नमक को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे रान पर अप्लाई करेंगे। अब इसे पलट कर दूसरी तरफ भी काली मिर्च पाउडर और नमक को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। देखिए, हमने रान के दोनों तरफ सारे मसालों को अच्छे से लगा लिया है। रान को दम करने के लिए हमने इस तरह का एक बड़ा बर्तन लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चर्बी यानी कि फैट। इस तरह से हमने चर्बी को पूरे बर्तन में स्प्रेड कर लिया है और अब हम इस पर रखेंगे रान। रान को दम करते वक्त हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिनको हमने बड़ी साइज़ में कट कर लिया है, जैसे कि 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, कच्चे पपीते के कुछ पीसीस और 15 से 20 छोटी हरी मिर्च। सबसे पहले हम इसमें इस तरह से प्याज ऐड कर देंगे। और ऐड करेंगे टमाटर और हमने कच्चे पपीते के जो पीसेस लिए हैं उसे भी ऐड कर देंगे। और ऐड करेंगे छोटी हरी मिर्च। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे कि 1.5 टीस्पून जीरा, 2 तेज़पत्ते, 3 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंग, 1 फूल और 8 से 10 काली मिर्च। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम इसे दम कर लेंगे और अब हम इसे ढक देंगे। इसे ढक कर हम इस पर वज़न रखेंगे। वज़न रखने से क्या होगा कि इसकी जो स्टीम है वो बाहर नहीं आएगी और हमारी जो रान है वो अच्छे से दम हो जाएगी। इसलिए हम इस पर पानी से भरा हुआ एक बर्तन रखेंगे। इस बर्तन में हमने 4 से 5 लीटर पानी लिया है और गैस की फ्लेम को लो करके इसे 2 घंटे के लिए दम कर लेंगे। ये देखिए, इसे लो फ्लेम पर दम होते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे खोलकर एक बार हमारी रान को चेक कर लेंगे। इसी के साथ हमारी जो रान है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे केयरफुली इस बर्तन में से निकाल लेंगे। रान को बर्तन में से निकालने के बाद उसमें जो नीचे मसाला बचा था उसे हमने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप यानी कि 400 ml पानी। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। ये जो रान का बचा हुआ मसाला है आप इसे रान को सर्व करते वक्त भी उस पर ऐड कर सकते हैं,
लेकिन हम इस मसाले में राइस बनाएंगे, इसलिए हमने इसमें 2 कप पानी ऐड किया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप चावल। इन चावलों को हमने 2 से 3 बार पानी से धोकर इसमें ऐड किया है और हाई फ्लेम पर इसे कुछ देर तक पकने देंगे। तो यहाँ पर राइस को हाई फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो पानी है वो सूखने लगा है। एक बार इसे चेक कर लेंगे। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 20 से 25 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए, हमने इन राइस को बनाने के लिए किसी और इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया। रान का जो बचा हुआ मसाला है उसी का इस्तेमाल करके हमने ये राइस बनाए हैं। लो फ्लेम पर इसे पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुकी है। इसी के साथ हमारी राइस बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इनको हमारी नमकीन रान के साथ और सलाद के साथ सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, खाने के लिए तैयार है नमकीन रान। इस रेसिपी के बारे में मैं आपको एक बात बताती चलूं कि इस रेसिपी को मैंने अपने भाई से सीखा है जो मस्कत ओमान में रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अरेबिक कंट्रीज़ की ये डिश आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।